मोदी जी, आज हमको एक मजेदार कहानी सुनाओ जिसमें कि मजा आ जाए। अरे क्यों नहीं, मैं तुमको एक कंजूस सेठ की कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक शहर था, उस शहर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बड़े ही सज्जन पुरुष थे, पर कंजूस भी उतने ही बड़े थे। एक दिन सेठ अपनी दुकान की उधारी मांगने के लिए गांव में पहुंचे। जिन लोगों पर सेठ जी की उधारी थी उन्होंने सेठ जी को पैसे दिए, कुछ लोगों ने दिए और कुछ ने नहीं दिए। फिर सेठ जी अपने सालन पर बैठकर घर के लिए चल पड़े। मोदी जी, ये सालन क्या होती है? भैया, सालन ऊंट को कहते हैं। सेठ जी रास्ते में चल रहे थे कि सेठ जी को एक खजूर का पेड़ दिखाई दिया, तो सेठ जी रुक गए तो उनके मुंह में खजूर को देखकर पानी आ गया। सेठ जी ने सोचा कि क्यों नहीं मैं खजूर खा लूं। खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। खजूर का पेड़ काफी ऊंचा था। खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद सेठ जी ने जी भर के खजूर खाए और अपने जेबों में भी ठूस ठूस कर भर लिए। फिर सेठ जी ने नीचे उतरने की सोचा, तो सेठ जी ने पेड़ पर से नीचे देखा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। सेठ जी से नीचे नहीं उतरा जा रहा था। मोदी जी, सेठ जी तो खाने का बड़ा चटोरा था, खाने के लिए तो फटाफट चढ़ गया, अब उतरने में कलेजा क्यों कांपने लगा है? आप कहीं सेठ जी का उतारना कर नहीं, यहाँ का को बाप थोड़ी नहीं आएगो, अब रो वहीं पेड़ पर बैठे बैठे। अरे भैया, रोएगा क्यों, चढ़ा है तो उतरेगा भी। फिर सेठ जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे को नीचे उतार दो तो मैं 1052 जीवाऊंगा। फिर सेठ जी भगवान का नाम लेकर नीचे उतरने लगे। उतरते उतरते सेठ जी आधी दूर उतर गए, तो फिर सेठ जी ने कहा कि हे भगवान, 1052 तो बहुत होते हैं, तो भगवान 1000 में से एक शून्य को हटा दो तो मैं 152 जरूर जीवाऊंगा। फिर सेठ जी भगवान का नाम लेकर नीचे उतरने लगा। फिर सेठ जी पेड़ के तिहाई हिस्से तक नीचे उतर आया। फिर सेठ जी ने कहा कि हे भगवान, 152 तो बहुत होते हैं, इसलिए भगवान 1 शून्य और हटा दो तो मैं 10 52 जरूर जीवाऊंगा। ऐसा कह के भगवान का नाम लेकर सेठ जी जमीन पर उतर गए और चैन की सांस ली और फिर से कहा भगवान से कि हे भगवान, 10 52 भी बहुत होते हैं, तो भगवान उसमें से 1 शून्य और हटा दो तो मैं 1 52 तो जरूर जीवाऊंगा। मोदी जी, ये शेर तो बहुत ही मक्खी चूस निकला, कहा 1052 पे से 1 52 पर आ गया। जब डर लग रहा था तो 1052 जीवाने के लिए तैयार था और नीचे उतर गया तो 1 52 पर आ गया। सेठ जी तो भगवान को बेवकूफ समझता है, पर भैया भगवान तो भगवान है। फिर सेठ जी पेड़ से उतरकर सालन पर बैठकर अपने घर आ गया। दूसरे दिन सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे तो उनकी दुकान पर कोई भी ब्राह्मण आता तो सेठ जी उनसे उनके खाने के बारे में पूछता कि बामन देवता, आप कितना खाते हो? कोई बोलता कि मैं 1 किलो खाता हूँ, कोई कहता कि आधा किलो, कोई कहता कि 1 पाव। अरे वाह मोदी जी, सेठ जी तो खिलाने में भी भाव ताव लगा रहे हैं, तभी तो उसको कंजूस सेठ कहते हैं। हाँ भैया, कंजूस सेठ तो है। इधर एक भाड़ ये सारी बातें सुन रहा था कि सेठ जी 52 जिमाएंगे, वो भी जो सबसे कम खाता हो। फिर भाड़ अपने घर गया, नहाया धोया और तिलक चंदन अपने माथे पर लगाकर पंडित बनकर सेठ जी की दुकान के पास से गुजरा, तो सेठ जी ने आवाज लगाई कि ब्राह्मण देवता यहाँ आइए। तो भाण सेठ जी की दुकान पर गए। फिर सेठ जी ने कहा कि ब्राह्मण जी, आप कितना खाते हो? इधर भाण तो पहले से ही सब जानता था, तो भाण ने कहा कि सेठ जी, मैं तो बड़ी मुश्किल से 25-50 ग्राम खाता हूँ। और भैया ब्राह्मण देवता, आप दक्षिणा कितनी लोगे? तो भाण ने कहा कि सेठ जी, जो आपको उचित लगे, पैसे 2 पैसे दे देना, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। फिर सेठ जी ने उस ब्राह्मण से कहा कि कल तुम मेरे घर आ जाना भोजन के लिए, क्योंकि मुझे 1 52 जिमाना है। इधर दूसरे दिन सेठ जी ने सेठानी से कहा कि आज हमारे घर 1 52 आएगा, वो जो भी मांगे सो दे देना, किसी भी चीज की मना मत करना। ऐसा कह के सेठ जी दुकान के लिए निकल गए। इधर भाड़ ने अपने पूरे परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने मोहल्ले के सारे लोगों को जिमाने के लिए सेठ जी के घर पर आ गया। मोदी जी, भाड़ के 10-20 सालों से भूखा था क्या, जो इतने सारे लोगों को लेकर आ गया खाने के लिए? अरे भैया, पहली बार दावत उड़ाने को मिली होगी। फिर भाड़ ने सेठानी से कहा कि सेठ जी घर पर है? तो सेठानी ने कहा कि वो तो दुकान पर गए हैं, पर आप मुझसे कहिए, जो भी आपको चाहिए मैं दे दूंगी।
फिर भांड ने कहा सेठानी से कि सेठानी जी मुझे 50 पीपे घी के, 5 बोरे शक्कर के, 5 बोरे आटा, दाल चावल काजू बादाम आदि सभी 5-5, 6-6 क्विंटल दे दो। तो सेठानी ने सारा सामान दे दिया। फिर भांड के सभी लोगों ने सेठ जी के घर पर भोजन पकवान बनाए और सबने 2-2, 4-4 बार खूब लपक कर खाया पिया और झूठे दोना पत्तल का ढेर लगाकर बचा कुचा सामान अपने कंधे पर रखकर अपने अपने घर ले गए। फिर भांड ने सेठानी से कहा कि सेठानी जी, सेठ जी होते तो कुछ दक्षिणा भी देते। तो सेठानी ने कहा कि हाँ हाँ मैं दे दूंगी ना, कितनी दक्षिणा? तो भांड ने कहा कि 1 लाख रुपए दक्षिणा बनती है, पर तुम्हारी इच्छा हो उतनी दे दो। तो सेठानी ने 1 लाख रुपए भांड को दक्षिणा भी दे दी। मोदी जी, भांड तो बड़ा ही छट्टा आदमी निकला, सेठ जी का दीवाना निकाल कर आ गया। अरे भैया आगे तो सुनो। शाम को सेठ जी जब घर पर आए तो सेठ जी ने देखा कि झूठे दोना पत्तल का ढेर लगा है और घर के आंगन में सब कीचड़ घान मचा है। तो सेठ जी ये सब कुछ देखकर सदमे में आ गए। फिर सेठ जी ने सेठानी से पूछा कि अपने घर पर कितने ब्राह्मण आए थे जिमने के लिए? तो सेठानी ने कहा वो तो लगभग 4-5 हजार थे और 1 लाख रुपए दक्षिणा भी ले गए। सेठ ने सोचा कि ये बामन ने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। फिर सेठ जी गुस्से से लाल पीले होकर भांड को मारने के लिए उसके घर के लिए निकल पड़ा। इधर भांड भी बहुत चालाक था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जब सेठ जी मुझे मारने के लिए घर पर आए तो तुम मेरे ऊपर सफेद कपड़ा डालकर रोने लगना। इधर सेठ जी भांड के घर पर आ गए और देखा कि भांड के घर में रोने की आवाज आ रही है। तो सेठ जी ने पूछा कि क्या हुआ? तो भांड की पत्नी ने कहा कि ये आज पता नहीं कौन से कंजूस सेठ के यहाँ जिमने के लिए गए थे तो उस सेठ ने सड़ी गली चीजें खिलाकर मेरे पति को मार दिया। तो मैं तो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जा रही हूँ। उसकी ये बातें सुनकर सेठ जी डर गए। फिर सेठ जी ने कहा कि बहन जी, तुम मेरे से और भी पैसे ले लो, पर पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने मत जाना। फिर सेठ जी पैसे देकर उदास मुंह लेकर अपने घर लौट आया। दूसरे दिन सेठ जी दुकान के लिए चले गए। फिर भांड सेठ जी के घर आया और सेठानी से बोला, सेठानी जी। तो सेठानी ने कहा कि तुम तो मर गए थे, फिर कहाँ से आ गए? फिर भांड ने कहा कि सेठानी जी, मैं तो मर गया हूँ, पर मैं तो सीधे स्वर्ग लोक से आया हूँ। वहाँ पर तुम्हारे पिताजी माताजी, तुम्हारे सास ससुर बहुत भूखे प्यासे मर रहे हैं। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है और ना ही कपड़े लत्ते पहनने को है और ना ही कुछ पैसे मैसे है। तो मेरे से उनका दुख देखा नहीं गया तो मैं तुमसे मांगने चला आया। अगर मेरे पास होते तो मैं ही दे देता, पर मेरे पास नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, पर तुम्हारी मर्जी सेठानी जी। इधर सेठानी का दिल पसीज गया और सेठानी ने भांड को कपड़े पैसे खाने पीने का सामान दे दिया और कहा कि भैया कुछ और चाहिए तो और ले जाना। भांड ये सारा सामान लेकर अपने घर आ गया। सेठ जी शाम को घर आए तो सेठानी ने सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा कि पगली, मरे हुए भी कोई वापस आया है जो भांड आ जाएगा? फिर सेठ जी गुस्से में लाल होकर भांड को मारने के लिए चल पड़ा अपनी सांडन को लेकर। सेठ जी भांड के घर पहुंचा तो भांड ने सेठ जी को दूर से ही देखा और भाग खड़ा हुआ। सेठ जी भी उसके पीछे अपनी सांडन को लेकर भाग रहा था। कुछ दूर भागकर भांड एक बड़े से झाड़ पर चढ़ गया। सेठ जी भी सांडन को झाड़ के नीचे खड़ा कर झाड़ पर चढ़ गए। भांड बहुत ही फुर्तीला था तो वह झाड़ के इस डाल से उस डाल पर इधर उधर छलांग मारता हुआ सांडन के ऊपर आकर बैठ गया। पर सेठ जी ठहरे मोटे आदमी तो वह धीरे धीरे झाड़ से उतर रहे थे। इधर भांड ने फिर कहा सेठ जी से, आप तो मेरा पीछे छोड़ दो नहीं तो मैं तुमको भिखारी बनाकर छोड़ूंगा, और सांडन को लेकर भाग गया। इधर सेठ जी ने कहा कि भैया इसे भी मेरे माँ बाप को दे देना स्वर्ग में जाकर। फिर सेठ जी पैदल चलकर अपने घर पर आ गया और भांड को मारने का ख्याल अपने दिमाग से उतार दिया। और भैया कहानी खत्म। मोदी जी बहुत ही रहस्यमयी कहानी सुनाई, वाकई में कहानी में दम था, मजा आ गया। और भाइयों आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भोलेनाथ सबके साथ।